पापा, वो जो हमने फैक्ट्री के लिए जमीन ली है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके भूमि पूजन वाले दिन सभी रिश्तेदार वगैरह सबको बुला लें, ताकि सब लोग आए और अपना दिल से आशीर्वाद दें। हाँ, अच्छा ख्याल है बेटा। हाँ तो ठीक है, ये फिर आपकी जिम्मेदारी है सबको बुलाना। तो ठीक है, मैं आज ही से फोन लगाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है। क्या? ये जरूरी नहीं है कि सभी आने वाले लोग तुम्हें दिल से आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी खुशी में खुश होंगे। इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ ना बुलाने के लिए, क्योंकि आप सबको जानते हो अच्छे से। पर ये देख लेना कि सब लोग आए, कोई बचना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक। भैया एक बार रोकना। पापा, पूजा स्टार्ट होने में सिर्फ 10 मिनट हैं और मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ 3 लोग दिख रहे हैं। बाकी लोग कब तक आएंगे? और कोई नहीं आएगा बेटा। पापा, एक काम बोला था आपको मैंने और आपने वो भी सही से नहीं किया। 150 लोग बोले थे ना बुलाने के लिए, ना कि 3 लोग। बेटा, ढेर सारे लोगों के साथ ये भी तो बोला था ना कि जो भी आए खुश होकर आए और दिल से तुम्हें अपना आशीर्वाद दें, बोला था ना? हाँ, तो क्या यही 3 लोग वैसे हैं क्या? हाँ बेटा, यही 3 लोग। और ये बात आपको कैसे पता? क्योंकि जब मैंने सब लोगों को फोन किया और उनको बोला कि हेलो सुनील जी, हेलो शर्मा जी, हाँ जी काबे जी, मेरा बेटा पीयूष अपनी जॉब छोड़कर फैक्ट्री शुरू करने जा रहा है, पर उसके लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर आप अपने हिसाब से थोड़ी मदद कर दें तो उसका काम शुरू हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़े थोड़े करके आपके सारे पैसे चुकता कर देंगे। आधे लोगों ने तो कोई ना कोई बहाना लगाकर मना कर दिया। कुछ ने कहा कि बिजनेस रिस्की है और कुछ ने कहा कि कोई नौकरी कर ले तो बेहतर है। बस ये 3 लोगों की मदद करने के लिए आ गए। अरे अंकल जी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप भैया को बोलो बस अपने काम पे ध्यान दें, बाकी हम देख लेंगे। हाँ जी अंकल, बताओ भैया को कितने पैसे चाहिए? अरे अंकल जी, बिल्कुल मदद करेंगे आपकी, और अपने काम से बढ़िया भला दूसरा काम कोई होता है? बेटा, जो तुम्हें अपने चाहने वालों की भीड़ चाहिए थी ना, ये वही 3 लोग हैं। और ये वही लोग हैं जो हमेशा जरूरत और खुशी के समय तुम्हारे साथ रहेंगे। एक कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, कि हमें कभी भी भीड़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, और ये बात हमारे अपने रिश्तेदारों और चाहने वालों पर भी लागू होती है। हर इंसान के पीछे एक भीड़ होती है और जरूरत के समय वो भीड़ अचानक एकदम से गायब हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे अपने होने का ढोंग रच रहे हैं। इसलिए बेटा, हमें खुशी में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल करना चाहिए जो हमारे दुख और जरूरत के समय हमारे साथ खड़े। आपको सबको बुलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर मैंने सही डिसीजन लिया। मेरा बेटा कभी गलत डिसीजन तो नहीं ले सकता ना, क्यों? तो अब चलें, हमारे वो 3 अपने हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे बेटे की तरह आप लोग भी समझ गए ना कि हमें अपनी खुशियों में किसे शामिल करना चाहिए और किसे नहीं।